अनीता श्रीवास्तव अर्जुन किचन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नई रेसिपी के साथ आई हूँ, छोले भटूरे जो बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। आइए उनको कैसे बनाना मैं बताती हूँ। 500 ग्राम हमने ले लिए काबुली चने, जिसको हमने सुबह फुलाए थे, कम से कम ये 7 से 8 घंटे फूल गए हैं अच्छे से। अब इसको मैं कुकर में इसको बॉयल करूँगी। ये बहुत ही आसान तरीका बना रहे हैं छोले बनाने का। अब इसमें मैं डालूंगी 1 लीटर पानी, जो इस अच्छे से इसके ऊपर तक आ जाए। अब इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच मीठा सोडा, जो कि छोले को गलाता है। अब मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेती हूँ दालचीनी का। अब मैं लेती हूँ 1 पोटली चाय की, जिसने हमने पोटली बनाई है। आपके पास टी पैक है तो आप वो यूज कर सकती हैं। और इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच नमक, जो कि छोले में अच्छे से मिल जाए। अब इनमें मैं सीटी लगा करके 4 से 5 कुकर को बंद करती हूँ। 4 से 5 सीटी आने तक मैं वेट करती हूँ। 4 से 5 सीटी आ जाएगी तब अच्छे से आपके छोले के चने जो है गल जाएंगे। तो छोले हमारे उबल रहे हैं, तब तक मैं भटूरे की तैयारी कर लेती हूँ। भटूरा बनाने के लिए हमने ले लिया है तीन कटोरी हमने ले लिए हैं मैदे। अब इसी कटोरी से हमने 1 कटोरी ले लिया है दही, और हमने शुगर पाउडर ले लिया है 1 छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच हमने ले लिया है नमक। अब इन सबको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी ऑयल, ये 2 बड़े चम्मच ऑयल है, इसको मैं मिक्स करूंगी। ये बहुत ही आसानी से छोले आपके बन जाएंगे। अब इसको मैं सब मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी 1 इनो, ये 5 ग्राम का इनो का पैकेट है, इसको मैं डालूंगा। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, एक्टिवेट हो जाए इनो। अब इसको मैं मैश करूंगी। आटे को गूंदना है। आटे गुन गए हैं, अब मैं इसको कॉटन के कपड़े से, गीले कपड़े से मैं थोड़ा इसको ढक देती हूँ। अब मैं छोला बनाने की प्रोसेस की ओर चलती हूँ। देखिए हमने छोले को है, अब इसको चेक करती हूँ उबला है कि नहीं। ये बिल्कुल आराम से उबल गया है। अब मैं इसकी तो इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। तेल को हमने गर्म कर लिए हैं, अब इसमें मैं डालूंगी तेज पत्ता। अब इसमें मैं डालूंगी जीरा, 1 छोटा चम्मच हमने जीरा डाला है। अब इसमें मैं डालूंगी हींग, जो है डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है और छोले का फ्लेवर बढ़ाता है। तेल गर्म हो गया है, अब मैं अदरक लहसुन और 5 बड़े साइज के हमने टमाटर और सॉरी प्याज को पीस लिया था, इसको मैं मसाले में पेस्ट बना लिया था, उसको मैं डालूंगी। इनको मैं भूनूंगी लगभग 5 मिनट तक। ये बहुत ही आसान तरीका है छोले बनाने का, झटपट बन जाएंगे और बहुत ही टेस्टी छोले बनेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल का।
प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने 5 मिनट के लिए भून लिया था। अब इसमें मैं 2 टमाटर की प्यूरी बनाई हूँ उसको डालूंगी, इसको भी अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको भूनूंगी। जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए तब तक मैं मसाले को ऐड नहीं करूंगी। मैं भून रही हूँ, अब इसमें मैं एक एक करके मसाले डालूंगी। एक चम्मच डालूंगी धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच डालूंगी लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच हम डालेंगे नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। याद रखिए कि हमने छोले को उबालते समय भी नमक डाला है, इसको ध्यान में रखते हुए नमक डालेंगे। अभी सबको मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है छोले का। अभी सबको मिक्स करके इसको भूनूंगी जब तक इसका तेल बाहर ना आ जाए। सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी हूँ। अब इसको कवर करूंगी। देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं, उसमें तेल भी आ गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी छोटा जो हमने बॉयल की थी, इसको मैं डालूंगी इसमें। इसके पानी को फेंकना नहीं है, इसके पानी को यूज करना है। इसको मिक्स करते जाएंगे। अब गैस को हमने फ्लेम को हमने कर दिया है फुल। अब इसको मैं पकाऊंगी। इस स्टेज पे मैं डालती हूँ गरम मसाला। हमने 2 चम्मच गरम मसाला का यूज किया है। हम इनको मिक्स करके अब इसमें हम छोले और मसाले को अच्छे से पकाऊंगे। बीच बीच में चेक करना है। 5 मिनट के लिए मैं कवर कर ले रही हूँ। छोले और मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, भून गए हैं। इसमें थोड़ा सा मैं ग्रेवी लगाऊंगी, वैसे ग्रेवी है हमें राइस के साथ खाना है और भटूरे के साथ, थोड़ा मैं इसमें ग्रेवी लगाऊंगी। अब इसमें मैं डालूंगी छोले मसाले। इसमें हमने 2 छोटे चम्मच छोले मसाले डाल दिए, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। जो कि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसकी फ्लेवर। धनिया तो बहुत ही फायदेमंद है, धनिया खाना चाहिए और ये खाने के स्वाद को दुगना करती है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दे रहे हैं मेरे छोले। देखिए छोले हो गए हैं तैयार बिल्कुल। अब इस स्टेज पे मैं गैस को बंद करती हूँ। छोले को बनाने में हमें कम से कम 30 मिनट लगे हैं और बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल अब छोला बन के तैयार हो गया। अब मैं भटूरे बनाने की तैयारी करती हूँ। तेल को हमने कढ़ाई में अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसके भटूरे बनाने जा रही हूँ। मैश करूँगी, जो इसमें एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट आटा इसके बने हैं और ये झटपट बनाना। अगर आपको खाना है भटूरा तो ये नहीं 4 घंटे भिगो कर रखना, ये सबका झंझट नहीं है। आप फटाफट इसको बना लेंगे।
तीनों डाल के। मैं इसके भटूरे बना रही हूँ। एक हमने लोई ली है, बिल्कुल जैसे हमने रोटी चपाती बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपको। अब इसमें मैं कुछ मैदे को ले लूँगी और इसको बहुत ही आराम से बेलना है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये तेल जो है गर्म, देखिए भटूरे अच्छे से हमने बेल लिया है और कढ़ाई मेरी अच्छे से गर्म है। अब मैं डालूंगी इसमें भटूरे और इसको तुरंत आप पलटे से डीप करिएगा रिफाइंड को, तो आपको बहुत इजीली खुल जाएंगे भटूरे। ये देखिए एकदम गुब्बारे की तरह फूल गए हैं भटूरे। अब इसको मैं दोनों साइड से अच्छे से सेक लूंगी। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे भटूरे बनाते जाएंगे। देखिए बिल्कुल बैलून की तरह आपके भटूरे फूल के तैयार हैं। अब मैं आपको प्लेट में लगा के दिखाती हूँ। निकाल रही हूँ और आप ये सर्व कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया छोले बने हैं फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक मैं एक भटूरे और निकालती हूँ। झटपट बन गए आपके छोले भटूरे। मार्केट बंद है और घर खाने का मन है तो आप ज़रूर बनाइए छोले भटूरे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।